तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे नए व्लॉग में। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं मुकुंदपुर टाइगर सफारी, जो कि सतना बॉर्डर और रीवा के पास ही मौजूद है, हमारे गांव से लगभग 47-48 किलोमीटर दूर है। तो देखिए आज मम्मी भी रेडी हो चुकी, मैं भी रेडी हो चुका हूं, तो जा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, बिल्ले को हम छोड़ के जा रहे हैं, हमारा बिल्ला नैन्सी के साथ रहेगा, नैन्सी उसकी बढ़िया से देखभाल करेगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले स्कूटी निकाल लेते हैं अपनी धन्नो को और चलते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे हम मुकुंदपुर में। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं मुकुंदपुर, करीब करीब 3 घंटे हमको लगे पहुंचने में। ये देखिए मेरे पीछे मुकुंदपुर। तो यहां पर अगर आप बाइक से आते हैं तो आपका पार्किंग का 10 रुपये लगेगा, और अगर आप कार से आते हैं तो 20-30 रुपये लगेगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अंदर, देखिए मम्मी जा रही है। तो ये देखिए दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं मुकुंदपुर, महाराजा मारतंड सिंह वाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर। और दोस्तों रीवा में ही सबसे पहला वाइट टाइगर मिला था जी, तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पर वाइट टाइगर सफारी बनाई गई है। तो चलिए फटाफट से एंट्री टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर। तो कैसा लग रहा है गाइस, देखिए पत्थर पत्थर एकदम प्राचीन तरीके से बनाया गया है। चलिए चलते हैं अंदर फटाफट से। ये उपलब्ध किराया है, ये देखिए चिड़ियाघर का 20 रुपये और पैदल 30, बस का 50। देखिए दोस्तों टिकट ले लिया है मम्मी ने 3 लोगों का, चलिए चलते हैं अब अंदर। तो फाइनली दोस्तों देखिए आ चुके हैं अंदर, और इधर को देखिए क्या मस्त वाइट टाइगर्स के स्टेचू बने हुए हैं, और इधर सफारी लिखा हुआ है। ये क्या है, सिविनियर शॉप। यार देखिए यहाँ पर शॉप भी है, यहाँ से आप कुछ खरीद सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से देखिए, अच्छा डॉय वॉय खरीद सकते हैं यहाँ पर, जैकेट्स। अगर हमको मांसाहारी जानवर देखना है, देखिए शेर, तेंदुआ, भालू और भी बहुत सारे जानवर बने, तो इधर जाना है। और यहाँ पर देखिए गाइस काफ़ी सारी नॉलेज दी गई है, जैसे ग्रुप ऑफ स्नेक इज कॉल्ड अ नेस्ट, ग्रुप ऑफ स्नेक मतलब बहुत सारी आपको जानवरों की यहाँ पर नॉलेज मिल जाती है। तो अभी फिलहाल हम देखिए चल रहे हैं थोड़े मांसाहारी जानवर देखने। और ये है मुकुंदपुर का मैप, देख लीजिए काफ़ी बड़ा मैप है। तो यहाँ पर जू के साथ साथ टाइगर सफारी भी है, इधर तरफ मुझे लगता है कि टाइगर सफारी तो मेनली यहाँ पर आपको चिड़ियाघर भी मिल जाता है, साथ साथ में सफारी का भी आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ बस चलती है, 50 रुपये टिकट है उसका। तो जंगल में भी आप समझ लीजिए छोड़े गए जानवर, और कुछ चिड़ियाघर में भी यानी पिंजरे में भी हैं। तो देखते हैं कैसा है, अभी तो हम पहली बार आए हैं। और ये कुछ नई प्रजाति के देखिए बम्बू लगे हुए हैं। तो यहाँ देखिए ये जो है ये टाइगर का केज है, देखो यहाँ आगे से होगा, ये यहाँ से जाने का है। चलो अरे चिड़िया में अंदर, वो रहा टाइगर, वो बैठा है देखो। तो ये देखिए दोस्तों हमको दिखा एक टाइगर, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो। और इधर की तरफ आप देखिए चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिखेगी, इधर बम्बू बांस के पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी सारे। एक का नाम है देखिए लिखा भी है, एक का नाम है वन्या और एक का नाम है शक्ति। चलिए देखते हैं, चलो अब देखते हैं शेर, बब्बर शेर। तो ये देखिए यहाँ पर शेर की फ़ोटो बनी हुई है, तो इसके अंदर शेर देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं, टाइगर तो हमको एक ही देखने को मिला है, दिख रहा होगा हल्का सा। अभी फ़िलहाल सभी जानवर अंदर हैं, तो जैसा हमने सोचा था वैसा आमने सामने तो हमको नहीं दिखा, लेकिन दूर दूर थे, आपको अगर दिखा होगा हल्का फुल्का दिखा है, इतने पास नहीं थे। चलिए देखते हैं, आगे भालू भी है और तेंदुआ भी है, तो कोशिश करेंगे कि उनको देख पाए अच्छे से। क्या है हम दोपहर को आए हैं, तो दोपहर को जानवर अपना उनका आराम का टाइम रहता है, तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। और यहाँ देखिए काफ़ी अच्छी बात लिखी गई है, एक पौधा लगाएं क्योंकि 50 साल में एक पेड़ हमारे इतने काम आता है। देखिए 17.5 लाख रुपये की ऑक्सीजन दे देता है, 41 लाख रुपये का पानी की रिसाइकिलिंग कर देता है, 300 पेड़ मिलकर ख़त्म कर सकते हैं एक व्यस्त व्यक्ति जीवन। तो काफ़ी सारी देखिए 45 लाख रुपये की वायु प्रदूषण का नियंत्रण, तो मतलब करोड़ों का फायदा देता है एक पेड़, 300 पेड़ मिलकर खत्म कर सकते हैं एक व्यस्त व्यक्ति जीवन भर में, मतलब एक इंसान 300 पेड़ जितना हाँ। प्रदूषण फैलाता है, सबसे ज्यादा इंसान कम करो वैसे ही हाँ, उसके चलने से हर जगह से प्रदूषण होता है, मतलब एक आदमी का प्रदूषण 300 पेड़ मिलकर खत्म करेगा। और अब देखिए यहाँ से हमको कुछ करना है तो बच्चे कम पैदा, ये देखो अब यहाँ पर सांप की काफी सारी प्रजाति भी पाई जाती है, ये देखिए कितने सारे सांप यहाँ पर। तो जैसे शहरों में चिड़ियाघर होते हैं वैसा तो ये नहीं है, कहने को चिड़ियाघर है, पर थोड़ा देखिए यहाँ पर जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा दिया गया है जानवरों के लिए, कुछ रहते हैं पिंजरे के अंदर और कुछ जंगल में भी रहते हैं। हाँ मतलब समझ लीजिए जंगल के बीचों बीच ये जगह बना दी गई है चिड़ियाघर मुकुंदपुर का, साथ में यहाँ टाइगर सफारी भी है, तो मतलब कि जंगल में भी शेर हैं और पिंजरे में भी शेर हैं।
अभी फिलहाल पिंजरे में तो हमने देख लिया, हमको इतने क्लियर नहीं दिखे। अभी चलते हैं तेंदुआ जगुआर और लेपर्ड देखने। तो चलिए देखिए आ गया है हमारा तेंदुआ, सबसे पहले आ गया है हमारा तेंदुआ, देख लो बढ़िया बना है, अलग तरीके से लग रहा है। ये देखिए गाइस तेंदुआ बैठा हुआ है, दो तेंदुए हैं, मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आपको परछाई दिख रही होगी हल्की हल्की, ये देखिए एक ये रहा और एक वो रहा, तो दो तेंदुए बैठे हुए हैं यहाँ पर एकदम लभी आराम कर रहे हैं। और यहाँ देखिए हिदायत भी दी गई है, तो थोड़ा दूर से ही देखेंगे हम। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम भालू को, लिखा तो था तो उधर आगे होगा। तो ये देखिए इधर भालू है, अब देखते हैं दिखता है कि नहीं दिखता। ये रहा भालू हमारा, भालू सरकार, और बैठा हुआ है खाने के, देखो लेके आए तो हैं खाना, खाने के इंतजार में बैठा हुआ है हमारा भालू। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर तेंदुआ का बच्चा, ये देख सेम बिल्ली जैसा, धारी धारी। तो ये देखिए दोस्तों ये बैठी है यहाँ पर एक जंगली बिल्ली, जैसे हमारे घर में होती घरेलू बिल्ली, ये है जंगली बिल्ली, साइज में देखो बड़ी रहती थोड़ी सी। तो गाइस ये देखिए यहाँ बैठे हैं हिरण, बहुत सारी प्रजाति के हिरण होते हैं, अब ये किस प्रजाति के हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं सांभर, तो हिरण के बाद अब देखते हैं सांभर, काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। नहीं ये सांभर है, बारह सिंघा अलग होता है ये सांभर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं बारह सिंघा, ये बैठे हैं हमारे देखिए बारह सिंघा, आए आए, तो थोड़े थोड़े सांभर जैसे ही हैं ये, लेकिन ये है बारह सिंघा। दो मंकी, ये फोन ना ले जाए मेरा, देखते ही भाग। अरे 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 बच्चे क्या हुआ। ये है वाइट टाइगर सफारी, तो यहाँ से आप वाइट टाइगर सफारी के लिए जा सकते हैं। ये देखिए रोड यहाँ पर क्लोज है, और ये जो बस आपको दिख रही होगी इसी तरीके की बस से आप जा सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर देखिए जो सफ़ेद शेर था मोहन, उसके बारे में जानकारी शिकार करते थे विशेष शेरों का। तो ये जनमन में वंशज मतलब ख़त्म हो गया था सफ़ेद शेर, यही मिला था, एक रीवा में मिला था सफ़ेद शेर। ये देखो पान खेरा, यहाँ पर कहानियाँ लिखी गई है मोहन बाग जो था वो किस तरीके से था, और ये मोहन की मान देखिए इसी गुफा में मोहन मिला था, जो शेर था पहला वाइट टाइगर। तो यहाँ पर आप मोहन के बारे में जान सकते हैं कि जो पहला सफ़ेद शेर था, तो इस जगह पर आके आप जान सकते हैं जो पहला सफ़ेद शेर था वो उसकी क्या कहानी थी और उसको कैसे संरक्षित किया गया था। तो चलिए दोस्तों अभी सफारी से पहले थोड़ा सा कैंटीन देख लेते हैं, फिर हमने सोचा है कि थोड़ा सफारी जाएंगे, पैसा ठेकड़ का एरिया है, बड़ा नहीं है सफारी रेस्टोरेंट। और बंदर तो बहुत है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लाल वाले बंदर यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो दोस्तों इस कैंटीन में खाना तो नहीं है खाने के लिए, यहाँ पर आप पिज़्ज़ा बर्गर मैगी ये सब खा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए। तो जो भी बचा कुचा रहता है वो ये खाते हैं। दोस्तों सफारी का तो हमने सोचा था, लेकिन चलो सफारी हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर लग रही है और हमको अभी निकलना है फटाफट से, तो फिर कभी हम आएंगे तो आपको दिखाएंगे सफारी कैसा है। चलिए फटाफट से चलते हैं रेस्टोरेंट और फिर खाएंगे खाना। तो अब चलते हैं मुकुंदपुर से बाहर और देखते हैं रेस्टोरेंट कैसा है। इसके बगल में एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो ज़्यादा जानवर यहाँ पर नहीं है, मुश्किल से 25-30 टाइप के वैरायटी के जानवर हैं। मांसाहारी में भी 6-7 हैं और शाकाहारी में भी हिरण ही हिरण हैं, जैसे सांभर हो गया, चीतल हो गया, बारह सिंघा हो गया। ये देखो अब बता इनको घास कौन डालता होगा, दोनों एक साथ चला रहे तो 1, 2, 3, 4 नीलगाय है यहाँ पर। देखेंगे जंगली सुअर, घर का तो देख लिया, अब जंगली देखते हैं घास खा के कितने हट्टे कट्टे हैं। ये है ऑस्ट्रिच, उसके अंडे भी दिए हैं, देखो उसने अंडे दे के रखे हैं, सबसे बड़े और दौड़ते भी बहुत तेज है ये शुतुरमुर्ग, अंडे दिए हैं लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 बड़े बड़े, ये उड़ते नहीं हैं, ये ऐसे ही चलते हैं बस। तो गाइज हमने लगभग लगभग सारा जू घूम लिया है, अब तितली पार्क बना हुआ है, चलिए देखते हैं कैसा है तितली पार्क। तो इधर ये देखिए रोड गई हुई है और जंगल में पूरा चिड़ियाघर है, ये एक अजीब ही तरह का चिड़ियाघर मैंने देखा, इंदौर का मैं गया था
तो वो शहर के बीच था लेकिन ये जंगल के बीच में बना चिड़ियाघर है। लेकिन चलना काफ़ी पड़ रहा है, चल चल के हालत ख़राब हो गई है। करीब करीब अभी 3-4 किलोमीटर हम चल चुके हैं, तो एक दिन की तो बात है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और यहाँ मुझे लगता है कि नदी बनी हुई है, ये देखिए ये है नदी जो कि अभी देखिए पूरी तरह से हरी हो चुकी, काई जम गई है लगता है। नहाने के लिए हैं इसमें? हाँ ठीक है, देखो ये देखिए ये है तितली पार्क। देखो ये लार्वा कैसे, मतलब तितली बड़ी होती है, अंडे से लार्वा बनता है, लार्वा से देखो प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर ये ककून से निकलती है, अडल्ट होती है। और ये देखिए मुकुंदपुर क्षेत्र में इतनी सारी तितलियाँ पाई जाती है, काफ़ी सारी तितलियाँ हैं देखो। और ये प्लांट पाए जाते हैं मदार का पौधा जिसमें तितलियाँ रहती हैं, देखिए नींबू के पौधे में, मदार के पौधे में, अंजीर की बेल में। यह है तितली पार्क, 30 रुपये। तो चलिए सबसे पहले टिकट खरीद लेते हैं, यहाँ से 30 रुपये टिकट है। और ये देखिए ये है एंट्री, बड़ी सी तितली बनी हुई है, तितली पार्क तो इस तरीके का बना हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों ये है तितली पार्क, ये देखिए इसके अंदर नहीं और भी होंगी, नहीं नहीं प्रजा अलग अलग प्रजाति की। और ये देखिए फाउंटेन, प्यारा सा फाउंटेन। तो काफ़ी सारी देखिए तितलियाँ हैं और उनके लिए ये वातावरण बना दिया गया है। तो ज़्यादा तितलियाँ तो नहीं दिख रही हैं, फिर भी देख लीजिए आप, थोड़ी बहुत तितलियाँ हैं। और ये देखिए तरह तरह की यहाँ पर तितलियों के नाम लिखे हुए हैं। ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक फाउंटेन है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी सारी मछलियाँ भी हैं फाउंटेन के जस्ट आगे। चलो ये यहाँ से पानी आता है ना, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर घड़ियाल। और देखिए कितनी बुरी हालत है यहाँ पर, काफ़ी बुरी हालत है यहाँ पर। मैं तो दोस्तों मैंने अभी तक जितने भी जानवर देखे मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बिचारों को कैद करके रखा गया है और न ढंग से उनकी देखभाल की जा रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ इंसान के मनोरंजन के लिए जानवरों को तड़पाना, जानवरों को परेशान करना कोई अच्छी चीज़ सही नहीं है, इसलिए मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। मैं इस बार तो आ गया जू, लेकिन अब से मैं कभी भी जू नहीं जाऊँगा, क्योंकि बेचारे जानवरों की तड़प ही तो यहाँ है और क्या है, तड़प रहे हैं। उनको एक केज में, पिंजरे में बंद करके रखा गया है, और मैं इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि तेरे जाने से क्या ये सब रुक जाएगा। तो दोस्तों बात तो सही है कि एक एक करने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर सब मेरी तरह हो जाए एक एक करके तो दुनिया बदल सकती है। और वो कहते हैं ना कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो सबसे पहले खुद में करो, तो सबसे पहले दोस्तों बदलाव मैं खुद में करूंगा। और चिड़ियाघर दोस्तों, चिड़ियाघर की अगर परिभाषा बताई जाए तो वो जगह है जहाँ निर्दोष लोगों को सजा दी जाती है। पिंजरे के अंदर, जेल के अंदर इनका क्या कसूर है, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है, लेकिन फिर भी सिर्फ इंसान के मनोरंजन के लिए, देखिए मनोरंजन ले रहा है इंसान, सिर्फ इंसान के मनोरंजन के लिए देखिए यहाँ पर जानवरों को रखा गया है, ताकि वो देख सके, आनंद उठा सके, उनके मजे ले सके। वो देखिए दोस्तों मगरमच्छ बैठा हुआ है, बेचारों की बहुत बुरी हालत है। देखिए पानी वानी भी ढंग से नहीं है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर सारे जीव खत्म होते हैं चिड़ियाघर के, और अब चलते हैं दोस्तों फटाफट से, हमको भूख लगाई है, खाना वाना खाएंगे, रेस्टोरेंट है पास में, तो चलिए चलते हैं। अच्छा आइए देखिए, देखिए आ चुका है हमारा कुंदपुर का एग्जिट। तो चलिए अब चलते हैं बाहर, काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों देखकर। बस यही बात मैं कहूँगा कि चिड़ियाघर वो जगह है जहाँ बेकसूरों को सजा दी जाती है, कैद में रखा जाता है, इसलिए मुझे तो ये जगह अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ
उम्मीद है ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।